नमस्ते व्यूवर्स। तो ये मैंने बाजू कट करी है, ये आगे का पार्ट है और ये बैक साइड का है। और अभी हम बैक साइड में डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से कंधा मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल भी 6 इंच लिया है और लंबाई 14 है तो 15 इंच लिए मैंने। और ये 44 चेस्ट है तो 2 इंच मैंने मार्जिन लिए है। और यहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई रखूँगी गले की मैं और डीप 9 इंच। और यहाँ से 3 इंच लूँगी नीचे से और फिर इसको ऐसे लाइन खींच लेना है और फिर इसको ऐसे लाइन खींच लेना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई देते हुए हल्का सा। और ऐसे मेजरमेंट करके देख लेना है। यहाँ से 1.25 इंच पे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे भी मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर ये भी 1.25 इंच का लगाऊंगी और फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ मिला लेना है। और अभी हम इसको कट कर लेंगे। और फिर कपड़े पे भी रख के कट कर लेंगे। और ये फीच पेपर लेना है और इस पे गले को रखना है और आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। आधा आधा इंच फीच पेपर छोड़ते हुए कट कर लेंगे और फिर ये बाहर वाली पट्टी कट कर लेंगे। ये आप कम ज़्यादा कट कर सकते हो। और अभी हम इसको कपड़े पे से चिपका लेंगे फीच पेपर को और आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। बुकरम हो तो उस पर सिलाई लगा लेना है बुकरम के किनारे किनारे और अंदर की साइड भी हम आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और फिर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। और फिर अस्तर और कपड़े को ऐसे कपड़े पे कट कर लेना है। पहले ऐसे अस्तर को रख के और फिर ऐसे अस्तर और कपड़े को अस्तर के ऊपर कपड़े को रख के और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ऐसे गले को इसके ऊपर रख के और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे फीच पेपर के किनारे किनारे। वहाँ से फुट को उठाते हैं, वहाँ सुई अंदर ही रखना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ गला बन के रेडी हो जाए। अभी हम इसमें कट लगा देंगे। धागा नहीं कटना चाहिए और अच्छे से कट लगाना है। और फिर इसको पलट के हम नीचे की तरफ कर देंगे पट्टी को और जो ये कोना है उनको हम बाहर निकाल लेंगे कोई नोकीली चीज से। और फिर इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप आयरन भी कर सकते हो और सिलाई लगा रही हूँ मैं भी। तिरछी पट्टी कट करके लेना है, इसकी हम डोरी बनाएंगे। ऐसे कट कर लेना है, तिरछा जॉइंट कर लेना है इसको। और ये मैं तो पतली डोरी से थोड़ा मोटा बनाऊंगी डोरी। ये बिल्कुल बारीक डोरी नहीं बनाना है, थोड़ी सी मोटी बनाना है डोरी। और ऐसे सिलाई लगा लेंगे और इसको ऐसे फिर सीधा कर लेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। ये ऊपर वाला मैंने 8.5 किया है, नीचे वाला 8 इंच और ये नीचे वाली 11.5 इंच ली है। और पहले हमें ऊपर वाली जॉइंट करना है, फिर नीचे में बीच वाली जॉइंट करना है और नीचे वाली हम बाद में लगाएंगे इन दो को जॉइंट करके।
को जॉइंट करके फिर इसके अंदर ऐसे डाल लेना है, और फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ निकाल के और फिर यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। इनके बीच में करना है, जो बीचों बीच गैप है उससे दोनों को ऐसे करके इनके दोनों के बीच में करना है। ये बन के रेडी हो गए। थैंक यू।